वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की हुई आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। हिजबुल कमांडर जुबैर भी ढेर, मारे गए 3 आतंकी। हिजबुल मुजाहिदीन के सभी के शव बरामद। मारे गए आतंकियों से 2 AK-47, 1 इंसास राइफल बरामद। शोपिया के जैनापुरा इलाके में सुरक्षा बलों की थी आतंकियों की घेराबंदी। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में जनवरी से अब तक करीब 100 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने किया खात्मा। पाकिस्तान की नापाक करतूत, फिर तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने तंगधार इलाके में की अंधाधुंध गोलीबारी, मोर्टार से दागे गोले। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान और हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, पूर्व मंत्री के आवास के आगे वारदात। नॉर्थ 24 परगना के खारदा इलाके में भारी तनाव, टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात। कोरोना को लेकर पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी बातचीत। 17 जून को प्रधानमंत्री 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात पर करेंगे चर्चा। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों से आज पहली बैठक। इससे पहले प्रधानमंत्री 5 बार कर चुके हैं बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने नियमों में और ढील देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार से वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू करने की मांग करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात, लोगों से मांगेंगे सुझाव। गृहमंत्री अमित शाह ने किया दिल्ली के LNJP अस्पताल का दौरा, कोरोना से लड़ने के इंतजाम का लिया जायजा। अमित शाह की दिल्ली के हालात पर सर्वदलीय बैठक, 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने प्राइवेट अस्पतालों और लैब की मनमानी का मुद्दा उठाया, पाल कमेटी का गठन का फैसला। सर्वदलीय बैठक में दिल्ली सरकार की बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर, सरकारी और निजी अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे करीब 3,000 बेड। मरीजों की देखभाल के लिए दिल्ली को मिलेंगे ट्रेन कोचेस, 500 कोच में होंगे कुल 8,000 बेड। एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा का कोरोना संक्रमण पर बड़ा बयान, कहा मार्च में ही हो गई थी कम्युनिटी स्तर पर फैलने की शुरुआत। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, सीएम केजरीवाल पर कोरोना को लेकर गुमराह करने का आरोप। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे से दिल्ली सरकार परेशान, बैंक्वेट हॉल्स का भी कोविड अस्पतालों के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी। दिल्ली के द्वारका इलाके में IRS अफसर ने कोरोना के शक के चलते दी जान, कार में मिला शव। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, शहरों में 62%, गांव में 50%, लोग की आय छिनी, कब जागेगी मोदी सरकार। दिल्ली में कर्ज में फंसे कारोबारी ने सुपारी देकर करवाया खुद का कत्ल, पुलिस ने 3 सुपारी किलर्स को पकड़ा। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान झपटमारी करने का आरोपी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल, दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन को उगाही के लिए जान से मारने की धमकी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में चोरों ने बोला धावा, एक ही रात में 8 कारों की बैटरी निकाली गई। दिल्ली हिंसा मामले में एक और चार्जशीट दाखिल, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के केस में 16 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। कोरोना के चलते मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में किए गए विशेष इंतजाम, ऑटोमेटिक सेंसर पर हाथ रखने से मंदिर में बजने लगती है घंटियां। मध्य प्रदेश में खोल दिए गए सारे नेशनल पार्क, मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में पहले दिन पहुंचे करीब 100 सैलानी। बालाघाट में सारसों के कुनबे ने बनाया बसेरा, रंगलाई किसानों के संरक्षण की कोशिश। भिंड के हनुमान मंदिर में करीब 30 लाख की चोरी, रात में घुसे चोरों ने तोड़ी तिजोरी। ग्वालियर में पिता और भाई ने की युवक की हत्या, पैसे चुराने पर परिवार वाले बने हैवान। विदिशा में बस स्टैंड में खड़ी 2 कारों में भड़की आग, आसपास की दुकानें चपेट में आई। सतना में खनन माफिया ने की पुलिसकर्मी की हत्या, पीछा कर रहे कांस्टेबल पर चढ़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 1.5 साल के मासूम की हत्या, बच्चे के पिता से था लेन देन का विवाद। इंदौर में बारात पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने का आरोप, दूल्हे ने भरा चालान। एमपी के खरगोन में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, रेत से भरे 2 ट्रक जब्त। कोरोना पर सीएम योगी ने की रिव्यू मीटिंग, टीम 11 के साथ लखनऊ में हालात पर चर्चा। नोएडा सेक्टर 49 थाने के 4 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, नोएडा में अब तक 23 पुलिस वाले हो चुके हैं संक्रमित। गाजियाबाद में 2 और मरीज कोरोना से हारे जंग, जिले में अब तक वायरस से 22 लोगों की मौत। आनंद विहार रेलवे स्टेशन में सारे प्लेटफॉर्म में लगेंगे आइसोलेशन कोच, नहीं चलेगी कोई ट्रेन। हाथरस से मनरेगा के काम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे, संक्रमण से बचाव का कोई नहीं है इंतजाम।
ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स ने अपनी चाची का सर काटा, हाथ में सर लिए थाने पहुंचा आरोपी। बस्ती में जमीन का विवाद सुलझाने गए दारोगा ने महिलाओं को जमकर पीटा, चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराया केस। अलीगढ़ में आंखों में मिर्च झोंककर किसान से 1,20,000 की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने बनाया बंधक। बैतूल में आकाश से गिरी बिजली, बकायेदारों से किश्त लेने गए फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों की मौत। खंडवा में खुदाई के दौरान मिट्टी ढही, 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। नोएडा में आवासीय सोसायटी कोरोना से बचाव की नई पहल, सोसायटी परिसर में बनाया आइसोलेशन वार्ड। 18 जून को अयोध्या जा सकते हैं सीएम योगी, राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की अटकलें। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की राम मंदिर पर नई मांग, कहा मंदिर के इतिहास में लिखा जाए अडवाणी जोशी और कटिहार का नाम। बाराबंकी में महिला और मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या, महिला के साथ गैंगरेप का शक। लखनऊ में खास मशीन के आविष्कार का दावा, पीपीई किट और मास्क की स्पाई के बाद दोबारा हो सकता है इस्तेमाल। मुंबई में शुरू हो चुकी है लोकल ट्रेन सेवा, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा करने की इजाजत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा खत, लॉकडाउन में कैंसिल हुई फ्लाइट के टिकट का पैसा वापस करने की मांग। मुंबई एयरपोर्ट से रोजाना 100 फ्लाइट की मंजूरी, एयरपोर्ट दोबारा खुलने के बाद अब तक सिर्फ 50 विमानों की थी आवाजाही। महाराष्ट्र पूरी तरह कोरोना मुक्त, इलाकों में स्कूल खोलने को सीएम उद्धव ने दी मंजूरी, लेकिन प्रभावित इलाकों में चलेंगे सिर्फ डिजिटल क्लासेस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जुए के अड्डे पर छापा, लाखों रुपए कैश के साथ 18 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार के मुताबिक शिक्षक भर्ती को लेकर था परेशान। बरेली में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन पाताल, 24 बदमाशों को 50 से ज्यादा तमंचों के साथ किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में ठप हुए मुरादाबाद के हॉर्टिकल्चर नर्सरी में कारोबार की आई नई जान, औषधि पौधों की डिमांड से कारोबारियों में जागी उम्मीद। कोरोना काल में बड़ी मौसमी फलों की मांग, अलीगढ़ में फल कारोबारी का बढ़ा मुनाफा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुस्लिम युवक की अनोखी मिसाल, शिव मंदिर को दान की अपनी 3.5 बीघा जमीन। कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से तेज हुई राजनीति, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी एमपी गुजरात दिल्ली को दिया अपने प्रदेश में टेस्ट करवाने का ऑफर। राजस्थान के कांग्रेस विधायक अब मैरिट होटल में रुके, राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी की आशंका से बनाया होटल को सुरक्षित ठिकाना। झालावाड़ में चोरी के शक में युवक से बर्बरता, पिटाई के बाद मुंह काला कर काटे बाल। अलवर में 15 साल के छात्र की बनाई 3 मशीनें, कोरोना से जंग में मददगार, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का ध्यान रखने में हो सकता है इस्तेमाल। जोधपुर में ज्वेलरी की दुकान में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 10 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी बरामद। पटना में नीतीश के खिलाफ तेजस्वी ने पोस्टर के जरिए दी चेतावनी, 100 दिन बाद भी सीएम से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले तो आरजेडी पूरे राज्य में बजवाएगी ढोल। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को भेजा कानूनी नोटिस, गलत तरीके से छवि खराब करने का लगाया आरोप। मोतिहारी में 3 एएसआई समेत 11 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, सिटी कोतवाली को किया गया सील। समस्तीपुर में आइसोलेशन वार्ड से भागकर थाने पहुंचा कोरोना संक्रमित सिपाही, लंबे ड्रामे के बाद काबू में आया। मुजफ्फरपुर में मनरेगा के काम से प्रवासी मजदूरों को मिली राहत, मजदूर बोले काम मिलता रहा तो नहीं जाएंगे दिल्ली मुंबई। गया में प्रशासन लगाया रोजगार मेला, दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को दिया गया काम। बिहार के डीजीपी ने भागलपुर के चौकीदार का फोन पर बढ़ाया हौसला, स्कूल बंद होने से इलाके में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ा रहा है चौकीदार। गया में बेकाबू ट्रक ने 2 ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, खौफनाक हादसे में 9 की गई जान। झारखंड के गढ़वा में पति से नाराज पत्नी ने 3 बच्चे संग कुएं में लगाई छलांग, मां और बड़ी बेटी की मौत। जमशेदपुर में छेड़खानी का विरोध करना, लड़की को पड़ा महंगा, मनचले युवकों ने युवती और उसके पूरे परिवार पर बोला हमला। कपूरथला के क्वारंटीन सेंटर में गंदगी और बद इंतजामी की शिकायत, पुलिस पर मरीजों ने अफसरों पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड ने कोरोना की दहशत में खुद को मारी गोली, परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने पर की खुदकुशी। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रशासन चौकस, प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं को भी 108 एम्बुलेंस सर्विस से जोड़ा। कोरोना मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने फिर से दिल्ली पर साधा निशाना, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का बयान, दिल्ली के चलते हरियाणा में बढ़ा संक्रमण। होशियारपुर में 13 फीट लंबे अजगर ने हिरण को जकड़ा, मौके से गुजर रही वन विभाग की टीम ने बचाई हिरण की जान। बठिंडा में प्रेम विवाह को लेकर बवाल, घर से फरार प्रेमी जोड़े को परिवार वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा। बरनाला में 65 साल के बुजुर्ग ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामूली विवाद पर साजिशन किया था कत्ल।
हरियाणा में सोनाली फोगाट चप्पल कांड में खाप पंचायत की एंट्री, 21 जून तक सोनाली को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम। सोनाली फोगाट मामले पर कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरा, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं करने का आरोप। बरनाला में युवक की खुदकुशी मामले में हंगामा, पत्नी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने को घेरा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कैमरामैन कोरोना संक्रमित, तमिलनाडु के सीएम का इवेंट कवर करता था कैमरा पर्सन। हैदराबाद में कोरोना का संदिग्ध मरीज 15 दिन से लापता, गांधी अस्पताल में रखा गया। घर वापसी का सिलसिला जारी, महाराष्ट्र से 400 से अधिक लोग ट्रेन से बेंगलुरु आए। केरल के सीएम पी विजयन की बेटी वीना की शादी, सीपीआई के युवा नेता मोहम्मद रियाज के साथ जुड़ा रिश्ता। कर्नाटक के बेलगाम में किराया नहीं मिलने से भड़का मकान मालिक, हवाई फायरिंग कर किरायेदार को धमकाया। चेन्नई में क्वारंटीन सेंटर में 61 साल के एक शख्स की मौत, कुछ दिन पहले मलेशिया से आया था शख्स। उड़ीसा के नुवापाड़ा में 120 साल की महिला को चारपाई पर लाया गया बैंक, अधिकारियों ने पेंशन वेरिफिकेशन का भेजा था नोटिस। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कोविड अस्पताल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, अन्य बीमारियों का इलाज नहीं होने पर किया हंगामा। असम के नौगांव में पुलिस ने 5 युवकों को हथियार समेत दबोचा, जमीन कब्जा करने के इरादे से गए थे बदमाश। त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के राज्यभर में किया गया प्रदर्शन, राज परिवार के समर्थन में कई जगहों पर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।